इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, नहीं मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी कर दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश तक में और मैं हूं आपके साथ रीना। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 2 महीने से कम ही का समय बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। लेकिन जहां एक ओर पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं और कार्यकर्ताओं में विरोध के सुर भी उभरने लगे हैं। दरअसल बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार 3 सितम्बर को चित्रकूट से इसकी विधिवत शुरुआत की, लेकिन इस यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद उमा भारती ने लगाए हैं। बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, मगर मुझे कहीं भी नहीं बुलाया गया। हो सकता है कि वे घबरा गए हों कि अगर मैं कार्यक्रम में रहूंगी तो जनता का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर उनकी सरकार बनवाई तो मैंने भी एक सरकार बना कर दी थी। उमा ने आगे कहा कि मुझे यात्रा में नहीं जाना था, मगर उन्हें निमंत्रण देने की औपचारिकता तो पूरी करनी चाहिए थी। आमंत्रण न मिलने से वे आहत हैं। आइए देखते हैं बीजेपी और सीएम शिवराज पर नाराजगी जताते हुए उमा भारती ने क्या कुछ कहा। 28 इसके बाद उमा भारती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जन आशीर्वाद यात्रा पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ में निमंत्रण नहीं मिला, यह सच्चाई है कि ऐसा मैंने कहा है, लेकिन निमंत्रण मिलने या ना मिलने से मैं कम ज्यादा नहीं हो जाती। हाँ, अब यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना प्रारंभ में ना 25 सितंबर के समापन समारोह में। आपको बता दें कि बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती यही नहीं रुकी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मेरे मन में शिवराज जी के प्रति सम्मान एवं उनके मन में मेरे प्रति स्नेह की जो डोर है वह बेहद अटूट और मजबूत है, इसलिए अगर अभी भी शिवराज जी मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए कहेंगे मैं उनका मान रखते हुए चुनाव प्रचार कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया गया है कि उमा भारती ने बीजेपी को लिखित में उम्मीदवारों की एक सूची भेजी है। हालांकि इस पर उमा भारती सफाई दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र एवं राज्य के नेताओं से मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया है, इसलिए मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस नेता और महेश्वर से विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे यहाँ जब कुछ महीने पहले मामा जी आए थे और उन्होंने नड्डा जी भी साथ में पूरा जो सरकारी कार्यक्रम सरकारी लोगों के द्वारा भीड़ इकट्ठी की, सारा सरकारी तंत्र किया और उसके आधार पर जो इन्होंने कार्यक्रम करके पूरा भाजपा महिला पी आर ओ भी उनके पोस्टे डाल रहा है। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तब पी आर ओ ने सारे डिलीट कर दिए, हमने किया। तो ये जो यात्रा हो रही है ये भी सरकारी जो पर भाजपा की सरकार यात्रा हो रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
जन आशीर्वाद यात्रा के लिए उमा भारती जी ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई है, क्या कहना है इसमें? देखिए उमा भारती जी हम सभी की श्रद्धा की केंद्र है। मध्य प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए जिस स्तर का कार्य उन्होंने किया, तमाम कार्यकर्ता उस बात को न सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं बल्कि उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। नाराजगी जैसा कोई विषय नहीं है, पार्टी के में भीतर जो भी बातचीत होगी वह की जाएगी। उमा भारती जी पूरी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उन्हें सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके अपनी ओर से भी जो प्रयास किए जाने वो लगातार कर रही हैं और हमारा पार्टी नेतृत्व भी उनको सम्मान की भावना के साथ देखता है। जो भी बातें होंगी वो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएंगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। खबर से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं।